यो हो गेमर्स, मैं क्लिक शेयर। तो गाइस वापस आ चुके हैं एक और नई इटरनल क्राफ्ट में। नहीं, 2000 years later माइनक्राफ्ट में इटरनल क्राफ्ट की वीडियो के साथ। सो आज हम इटरनल क्राफ्ट में बनाने वाले हैं एएफके फिशिंग फार्म। एएफके फिशिंग फार्म एक तरह से ऑटोमेटिक फिशिंग फार्म समझ लो तुम, और उससे सिर्फ फिश नहीं, बहुत ओपी चीज़ें मिलती हैं। तो मतलब बहुत भयंकर होती है वो चीज़। सो भाई उसको बनाने में बहुत मज़ा आने वाला है, एक तरह से तुम ट्यूटोरियल समझ लो उसका। तो और क्या करना है भाई, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो अपना एएफके फिशिंग फार्म होता है वो जावा में ज़्यादा ईजी होता है, बेडरॉक में बहुत मुश्किल होता है उसको बनाना। और लेटेस्ट वर्जन में एएफके फिशिंग फार्म बहुत कम काम करते हैं। सो मेरा वाला काफ़ी एफिशिएंट और अच्छा और लेटेस्ट वर्जन में काम करता है। 1.16.2 है मेरा, ठीक है, यहाँ तक ना, मतलब वो लेटेस्ट में काम करेगा तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। ओके यार, तो देखो भाई ये जो क्रॉशियर बना रहा है ना, ये मैंने स्प्लिट कंट्रोल्स कर रखा, तो मैं नहीं पता, तो सेटिंग्स में जाना, फिर वीडियो में जाना, शायद वीडियो में मिल जाएगा तुम्हें, वीडियो में नहीं तो हाँ टच में मिलेगा तुम्हें सेटिंग्स में। तो देखो भाई मैंने फायर रेजिस्टेंस के पोशन बना रखे हैं। सो अगर तुम्हें पोशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मतलब पोशन कैसे बनाते हैं हर टाइप के, सो कमेंट कर देना भाई, मैं पक्का बना दूंगा, मेरे को अच्छे से आता है। सो ये मैं क्रॉशियर इसलिए लाऊं स्प्लिट कंट्रोल करके क्योंकि आज हमारा बहुत काम है इससे, हम इसी से मेनली काम करेंगे। सो अभी मैं थोड़ा सा ये करेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं काफ़ी सारा सामान ले आया हूँ अपना एएफके फिशिंग फार्म बनाने के लिए। सो ये वीडियो आपको हो सकता है हल्की सी फास्ट लगे, लेकिन ये हल्का सा टाइम टेकिंग है, वैसे असली में टाइम टेकिंग होगा नहीं, मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा मेरे को। सो अभी हमें ऐसे फेंस रखना है, उसके ऊपर रखनी है एक प्रेशर प्लेट। आप कोई भी प्रेशर प्लेट यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, मतलब इसमें जो ऐसी चीज़ है ना जो अलग टाइप की बन सकती है अलग रिसोर्सेज से, तो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब मेरे को सबसे पहले खाना पड़ेगा, ये भूख और लगती रहती है। तो मैं चेस्ट लेके आया था ऊपर से दो, मेरे को मैं चेस्ट लाना भूल गया, चेस्ट की ज़रूरत है इसमें। तब हम चेस्ट लगाएंगे यहाँ पे दो, जिसमें आएगी हमारी फिशिंग से जो भी सामान मिलेगा। सो मैंने इस साइड लगाया, आप किसी भी साइड लगा लेना, है ना। सो अब हम इसके नीचे लगाने हैं दो हॉपर, एक हॉपर होना चाहिए एग्जैक्ट फेंस के नीचे। तो अब मैं इसमें डालता हूँ अपनी एक्स, इससे डली आ गई, देखो वर्क कर रहा है। मतलब आपको ये ध्यान रखना कि आपको क्राउच करके कनेक्ट करना हॉपर को चेस्ट से और दूसरे हॉपर को पहले वाले हॉपर से। सो यहाँ पे मैं स्टेयर लगा देता हूँ ऊपर आने के लिए, आपको ऐसे स्टेयर लगानी पड़ेगी। अब आपको यहाँ पे लगाना है कोई भी ब्लॉक लगा सकते हो आप, मैं कॉबलस्टोन यूज़ कर रहा हूँ अभी मेनली, तो यहाँ पे सो मैं कॉबलस्टोन लगाऊंगा। उसके ऊपर आपको लगाना है एक और चेस्ट जो मैं नहीं लेके आया भाई, मेरे पास जब चाहिए होता तब मैं रिसोर्सेज रखता हूँ नहीं, मैं सोच रहा हूँ क्राफ्टिंग टेबल बना के यहाँ पे रख ही देते ना, बार बार ऊपर क्यों जाना। सो अब यहाँ से बना लेते हैं एक चेस्ट। तो ये चेस्ट स्टोरेज के लिए नहीं है, बहुत अजीब चीज़ है, तुम देखोगे भाई शॉक हो जाओगे। सो अब हमें यहाँ पे चेस्ट रखना है इसके ऊपर, और अभी हमें चाहिए वो क्या बोलते हैं उसको, साइन बोर्ड निकालेंगे। इसको हमें लगाना पड़ेगा चेस्ट की दोनों साइड। अगर तुम्हारा पीछे, जैसे मेरे कॉबलस्टोन का ब्लॉक है तो मैं पीछे नहीं लगा रहा, अगर तुम्हारे वो नहीं है तो पीछे भी लगा देना। हमें इसको कवर करना आगे वाली साइड छोड़ के, आगे वाली साइड पर पहले ये प्रेशर प्लेट लगी हुई है इसलिए पानी बाहर नहीं आएगा, देखो। सो हम जैसे ही क्राउच करके इसमें पानी से टैप करते हैं, इसमें पानी आ जाता है, बहुत बहुत ओपी चीज़ है। लाइक ये जो चेस्ट का खाली एरिया में पानी आ जाता है, ये समझ से बाहर है भाई माइनक्राफ्ट की फिजिक्स। तो अभी तो मैं दो ब्लॉक तीन ब्लॉक ऐसे ज़मीन से लगा के एक ट्रैप डोर लगाना है तीसरे वाले ब्लॉक पे नीचे की साइड, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ट्रैप डोर लगा दिया है, अब हमें इन ब्लॉक्स को तोड़ देना है। और तो मैं ट्रैप डोर के जस्ट वहाँ पे एक, रुक जाओ मैं इस ट्रैप डोर को हटाऊँ पहले, मेरे को थोड़ा सामान सही करना है, मैं सामान लेके आता हूँ अपना। ओके, तो अब तो मैं ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर ऐसे एक ये लगाना है, ठीक है, यहाँ से एक लगाना है। अब एक सेकंड, मैं ऊपर जा पा रहा हूँ नहीं, तो मैं ऐसा करना है कि तो मैं ब्लॉक करूँ ऊपर जाने से, मतलब एक और स्लैब लगानी पड़ेगी। तो अब मैं एक और स्लैब लगा देता हूँ, देखो अब मैं ऊपर नहीं जा पा रहा, इसका मतलब अब ये परफेक्ट है। तुम आर्मर स्टैंड पर ध्यान मत दो। ओके, तो आर्मर स्टैंड मैंने गलत लगाया था, ऐसे लगाना था इसलिए मैं मना कर रहा था ध्यान देने के लिए। तो मैं लगाना है चेस्ट के ऊपर आर्मर स्टैंड। अब तुम्हें करना है ट्रैप डोर को बंद, अब तुम्हें करना क्राउच और इस तरह से एम करना कि ट्रैप डोर पे एम करना, जैसे ही तुम फिश का बटन दबाओ
वो सीधा पानी में छपाक की आवाज भी आए और ये प्रेशर प्लेट पे भी टच हो। ऐसा तुम्हें एम करना है। ऐसे क्या होगा, प्रेशर प्लेट पे टच होते ही ये खुल जाएगा ट्रैपडोर। ट्रैपडोर खुलने से क्या होगा वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। एम करने में हल्का सा टाइम लगेगा लेकिन आगे चल के प्रैक्टिस हो जाएगी तब एक ही बार में हो जाता है। अभी मेरे को एम करना थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके तो देखो फिश हुआ था अभी, तो देखो ऐसे करना है तुम्हें। अब इससे क्या होगा, तो तुम्हारा जहाँ पे फिश वाला बटन आता है ना वहाँ पे पोज का बटन आएगा। अब ये पोज होता रहेगा आर्म स्टैंड। ये याद रखना कि तुम्हें क्राउच होके करना है ये सब कुछ। अगर तुम खड़े हुए तो पोज का ऑप्शन नहीं आएगा, उल्टा तुम आर्म स्टैंड को अपनी ये फिशिंग रॉड पकड़ा दोगे। सो ऐसे पोज आता रहेगा और जैसी फिश आएगी तो फिश का ऑप्शन आ जाएगा। हमें चाहिए एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन जिसका नाम है ऑटोमेटिक क्लिकर। तो मैं प्रेफर करता हूँ इस वाली को, क्विक टच को। तुम प्ले स्टोर पर सर्च करोगे क्विक टच तुम्हें मिल जाएगा ऑटोमेटिक क्लिकर। इसमें तुम्हें सिंगल टारगेट की सेटिंग्स पे जाना और डीले पे कर देना 2000 मिली सेकेंड। ठीक है, 2000 मिली सेकेंड होना चाहिए वरना वर्क नहीं करेगा। कुछ लोग के 1000 1050 पे भी वर्क, 500 पे भी वर्क कर जाता है लेकिन 2000 इज़ द बेस्ट, मतलब हमेशा वर्क करना ही है। सो अब तुम्हें जाना है माइनक्राफ्ट पे। माइनक्राफ्ट पे आते ही देखो तुम्हारा ये स्टार्ट दबाना है तुम्हें, मतलब सेटिंग से बैक जाके स्टार्ट दबा देना, स्टार्ट सिंगल पे तब होगा। और ये जो तुम्हारी चोंच सी है इसको तुम्हें पोज पे रखना है, चोंच मतलब ब्लैक ट्रायंगल। सो अब तुम्हें प्ले दबा देना है तो ऑटोमेटिकली पोज पे क्लिक करता रहेगा, होगा क्या ये पोज होता रहेगा। और जैसे ही फिश आएगी तो फिश पोज की जगह फिश का बटन आ जाएगा। फिश पे क्लिक होते ही फिश हमारे पास आ जाएगी और ये प्रेशर प्लेट से टक्कर आ रहा है इसलिए ट्रैपडोर खुला रहेगा तब तक जब तक फिश नहीं पकड़ लेते। देखो हमने फिश पकड़ ली तो इस तरह से काम कर रहा है, ऑटोमेटिक काम कर रहा, मैं कोई बटन दबा नहीं रहा। सो बहुत इजी है। ये याद रखना कि मैं सेटिंग से बैक दबा के तुम्हें स्टार्ट सिंगल टच पे करना है क्योंकि मैं वो पहले ही कर चुका था, मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, कट हो गया वो। सो ओके तुम्हें यही करना है। ओके भाई तो ये बहुत बढ़िया वर्क कर रहा, तो बस एक मिनट में देखो मेरे को क्या क्या मिल गया। 3 फिश और 1 स्ट्रिंग। कोई बढ़िया चीज़ नहीं है, बढ़िया लूट नहीं है, मतलब अभी तुम्हें नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में एक दो बार, लेकिन बाद में भाई बहुत ओपी लूट मिलती है। सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें, इससे सैडल मिलती है, नेम टैग मिलता है और एनचैंटेड बुक्स मिलती है, एनचैंटेड बोज मिलते हैं और नॉटिलस शेल और बहुत कुछ मिलता है भाई, बहुत ओपी चीज़ है। तुम बस फ़ोन को कहीं भी छोड़ दो इसको ऑन करके। अब देखो मेरे को प्रैक्टिस होगी तो एक बार में लग रहा है, बस तुम्हें 3-4 बार प्रैक्टिस करनी होगी फिर तुम्हारा इजी हो जाएगा, तुम्हें आदत हो जाएगी। गाइस हमने एफके फिशिंग फार्म बना दिया, बहुत ओपी है भाई ये एफके फिशिंग फार्म। सो ये याद रखना कि तुम्हारी अगर फिशिंग रॉड में लक ऑफ द सी 2 और लेयर 2 हो तो सब कुछ बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से होगा। ये वीडियो मैं जानता हूँ हल्की सी फास्ट थी लेकिन भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं फास्ट नहीं करता, तो प्लीज़ उसको नेगलेक्ट करना, ठीक है। बाकी फिर वीडियो में बहुत मज़ा आया भाई। अगर तुम्हें एफके फिशिंग फार्म अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय बाय बाय।